17 नवंबर 1996 यानी आज की रात कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है जो शायद ही हम अपनी जिंदगी में कभी दोबारा महसूस करें। ये घटना 40 साल में एक बार होती है और इसी पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषी पंडित रवि किशोर जी। तो पंडित जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। देखिए, जैसा आप जानते हैं हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं जो कभी भी एक सीध में नहीं आते हैं। आराम से, चिंता मत कर, डॉक्टर गए हैं देखने। नैना, मैं तो यूँ पूछ रही थी कि चाय कहाँ मिलेगी। जोर से। संयोग बना था तब सिर्फ 3 ग्रह सीध में आए थे, मगर आज रात को 9:50 पे ऐसी दशा बन रही है कि सारे के सारे ग्रह सीध में आ जाएंगे। नक्षत्रों के हिसाब से ये काफी समय लग रहा है, कम नहीं है। नहीं तो सुना आपने, कुछ बड़ा होने वाला है, चमत्कार होने वाला है आज 9:50 पे, यानी सिर्फ 30 मिनट। बहू का तो ऐसा ही है, शाम की चाय देने में भी बहुत टाइम लगाती है। महसूस नहीं हो रही। What? कि आज के दिन किए गए सभी कार्य सफल होंगे, बल्कि आज के दिन जो लोग पैदा हुए वो बेहद भाग्यशाली होंगे। चमत्कार से कम नहीं है। कल सुबह सुबह सबसे पहले बच्चे को गुरुजी के पास लेकर जाएंगे हम। चलेंगे उनके साथ, ठीक हो जाएंगे। सॉरी निलेश, बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम बच्चे को नहीं बचा पाए। कैसे मतलब? हम तो लाए थे ना आपके पास टाइम से, उनको फिर सब सॉरी कैसे डॉक्टर साहब? क्या कह रहे हैं बेटा? कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को। इधर लो। ये क्या कर रहे हो सर? पीछे मत आओ।
मेरा बच्चा है गुरुजी, गुरुजी सब ठीक करते। पर सर ये बच्चा मर चुका है। भगवान हो गए तुम, मेरा बच्चा है गुरुजी, सब ठीक करेंगे। वाले कहते हैं कि गुरुजी मेरे पूरा जीवन आपकी आपकी पूजा की, आपकी सेवा की गुरुजी, आप हमारे भगवान। नीलेश, पुत्र मोह में तुम संभव असंभव के फर्क को भूल गए हो। ईश्वर की यही इच्छा है। नहीं, आप ही हमारे ईश्वर हैं और आपके लिए तो सब संभव है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। तो मैं इस हवा में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। रुको, से पुनर्जन्म मिला। अगर आप इसका नाम भी ये दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा होगा। लोग इसे लक्की कहेंगे।
गोलगप्पा खाओगे? रहना भैया, और सुनो थोड़ा एक में तीखा ज्यादा डाल देना, लेकिन मिर्ची थोड़ी सी कम कर। दूसरे पानी बन लो, पानी डालो। अरे रोज लगाए महंगा साबुन पर न चमके इतना जैसा चमके जब किस्मत चमके हो जाए मुश्किल टिकना। लकी, लकी कहाँ गया? अरे भैया यहाँ बैठा दे मेरे बच्चे को। देखा आपने? शाम को आऊंगा, कलेक्शन लेके जाऊंगा, इधर ही बैठना ठीक है। अरे कहाँ चला गया लकी? लकी यहाँ बैठा है। किस्मत जब तक ऊपर है मेरा बच्चा, वैसे क्या क्या करे मेरा बच्चा, खड़ा हो जा। कपड़े बावला यहाँ क्यों बैठा था? पहुंचाकर नेहरू हाउस को ये एनुअल कप जिता पाएंगे या नहीं? जी देखिए रवि, कहना कुछ भी अभी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है आज। अभी हो लेकिन अभी सारी नजरें लकी शर्मा के ऊपर। बॉलर ने रन किया, बॉल हवा में, लकी ने बैट घुमाया। ये देखो आज पता है क्या हुआ मैच में? एक बॉल पे ना 10 रन चाहिए थे। अच्छा अम्मा जी, नामुमकिन होता है, एक बॉल पे 6 ही रन मार सकते हो मैक्सिमम। फिर तूने क्या किया? फिर बॉलर ने ना नो बॉल डाल दी। हाँ। और मैंने पहले उठा के मारा ऐसे छक्का, और उसके बाद फिर दिया एक। क्रिकेट ही खेलेगा या पढ़ेगा भी? हाँ जी पापा जी। कल तेरा प्री बोर्ड का एग्जाम है ना, तैयारी हो गई? हाँ जी पापा जी। चलता हूँ मां।
तैयारी हो गई। अम्मा आप मुझे ये बताओ इनके कितने आए थे बोर्ड्स में? बोर्ड बोर्ड तक तो पहुंच ही नहीं पाया, दसवीं में ही फेल हो गया था। अच्छा तभी मेरे आगे यहाँ नेता बनते हैं ये? अरे छोड़ ना तू छोड़, ये देख तेरी लिए क्या है। क्या है? जासिम से क्या है अम्मा? कल क्या है, क्या है, है? बेटू का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा बच्चा मेरी जान जीता रहे खुश। थैंक यू अम्मा। खुश हो खुश हो मेरी जान, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए मेरा बच्चा। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे भाई, तेरे को भी हैप्पी बर्थडे भाई, दोनों भाइयों का बर्थडे आज। और बता दे तैयारी हो गई एग्जाम की? अबे फिजिकल एजुकेशन के पेपर की कौन करता है तैयारी? फिजिकल एजुकेशन भाई, फिजिक्स का पेपर है आज भाई, फिजिक्स का पेपर है आज। अबे मैंने तो तेरे से ही पूछा था। हाँ तो भाई मैंने भी तो बताया था PHY का पेपर है। अबे तो PHY से मुझे क्या सपने आ रहे हैं, फिजिक्स का पेपर है या फिजिकल एजुकेशन का पेपर है? अबे तू इतना डम कैसे हो सकता है भाई, PHY का मतलब फिजिक्स ही होता है। अरे तू इतना आलसी कैसे हो सकता है, PHY लिख रहा है फिजिक्स नहीं लिख रहा पूरा, मतलब मेरे पे डाल रहा है। सुना है पेपर बहुत टफ बनाया है सत्येंद्र सर ने, मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे लेकिन बंटी बंटी टॉप करेगा। अबे थिनर के जैसे करने लग गया है, 3 साल से तो फेल हो रहा है और बातें सुन लो इसकी। सुना है तेरे को तो बता रहे सर जी कि मैं टफ बना रहा हूँ इजी बना रहा हूँ। अबे नहीं भाई यहाँ बड़ा मिला फिर से नहीं। अबे तुम पढ़ क्यों रहे हो भाई, क्यों एग्जाम दे रहा है तू? पैसे तो तुम्हें पढ़े हुए मिल जाते कहीं भी। तू चुप हो जा साले, बर्थडे के दिन तक फेल होऊंगा आज मैं। मैम। यस बंटी। मैं आई गो टू टॉयलेट। यू कैन गो। थैंक यू। मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। मैम प्लीज मैं आई गो टू टॉयलेट। मैम मेरी पथरी में हल्का दर्द हो रहा है। मैम मैम प्लीज मैं आई गो टू टॉयलेट। मैम पेपर नहीं देना क्या? जाओ फिर। सर सारे आंसर्स करेक्ट तो होंगे? अरे सारे आंसर सही है, पैसे दे पैसे। एक सेकंड सर। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तू जल्दी निकाल। एक सेकंड सर, इसी जेब में रखे थे मैंने। एक सेकंड सर, ढूंढ रहा हूँ सर। सर एक 500 का नोट नहीं मिल रहा है। अरे तू पैसे दे। सर माँ की कसम सर, सुबह 1000 रुपए चुराए थे पापा की जेब से। अरे तू चल यार। सर नहीं मिल रहे हैं सर पैसे, रखा तो था मैंने 500 में, आधे आंसर मिल सकते हैं। सब्जी मंडी लगा रखी है यार। सर देख लो सर अगर मिल सके। 1000 है तो मेरे से बात कर। सर मैंने 1000 ही रखे थे सर, मिल नहीं रहे। तो 1000 तो मेरे से बात कर, वरना निकल यहाँ से। सर एक मिनट सुनो तो सही सर। अरे अरे मेरी बात तो सुनो सर। निकल ना। आधे मिल जाएंगे सर। नहीं बात तो सुनो सर। सर मेरे पास है 1000 रुपए। अरे जो भी चाहे सच हो जाए, ये क्या चक्कर है? वो किस्मत जब तक ऊपर है, मामला सुपर डुपर है।
चलो मेरे कहने से एक दाव और खेल लो सेंटी भाई। सात पे 500। यस शिट। अबे साले कोई कह देगा ही नहीं हमारे स्कूल के टॉपर है, जुए खेल रहे हैं यहाँ बैठ के। रोज हारता है फिर भी आ जाता है यहाँ पैसे डुबवाने। हाँ भाई तेरी तरह लक्की नहीं हूँ ना। ओए फालतू की बातें मत कर। हाँ वो तो आज टॉयलेट में पेपर मिल गया तो थोड़ा किस्मत चमकी तो है आज। भाई बचपन से हूँ तेरे साथ, पैसे चाहिए होते तो तेरे को पड़े हुए मिल जाते हैं। पढ़ के नहीं आता तो या तो कोई तेरे को टिपवा देता या तो कभी कभी इन्विजिलेटर ही सो जाता है। भाई या तो तू चूतिया या तू मुझे चूतिया समझता। ओए नहीं खेलना तुम दोनों को और, तो बाहर जाके लड़ो। अरे एक सेकंड। तू खुद को लकी नहीं मानता ना? मतलब मेरा नाम लकी है पर ऐसे लकी थोड़ी ना हूं मैं, तू तो कभी कभी। चल ठीक है फिर अजमा लेते हैं। 5 पे लगा है 500। चल एक पागल है क्या चंटी? मैंने तो बताया मेरे पापा ऐसा मना करते हैं। अरे पापा गए मार। ओए भाई पापा कहाँ से आ गए यार, वैसे तो मैं लगा रहा हूँ ना। तू तो मेरे लिए डाइस फेंक रहा है ना, तू थोड़ी दूर खेल रहा है। चल फिर फेंक। मैं अरे फेंक ना यार। चल चल फेंक दे फेंक, इतनी देर में तो हो जाता वो। फेंक दे। अरे एक गट्टे आपके बाहर रख दिए, उठा लेना। चल भाई। 18, 19, 20 ले ये 10 तेरे और ये 10 मेरे। अब तो मानता है ना, तू सिर्फ नाम का लक्की नहीं है। हाँ क्या शंटी चूतिया बातें मत कर यार। मैं ये लकी वकी होता तो ऐसे टुच्चे खानदान में पैदा होता, किसी रतन डाटा वाटा के ना पैदा होता। साले उल्टी सीधी बातें करते तुम्हें। ओ टाटा ने शादी नहीं करी वरना हो भी जाता। अबे अबे सो दिमाग में चोट तो नहीं लगी इसके? पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? ठीक चल। अम्मा मैं क्या सच में लकी हूँ क्या? वो शंटी कह रहा था। हैं? क्या कह रहा है? पूछो बोल। मैं पूछ रहा हूँ मैं सच में लकी हूँ क्या? वो शंटी कह रहा था। हाँ जब तू पैदा हुआ था ना तो गुरुजी कह रहे थे। क्या क्या, क्या, क्या बोल रही है माँ? और तू खाना खा चुपचाप। कितनी बार कह चुकी मैं तेरे से कान की मशीन ला दे मेरी। हाँ ले आऊंगा, एक दो दिन में ले आऊंगा माँ। हाँ ले आइयो, जब मैं मर जाऊंगी
तब ले आई हो, चिता में साथ ही डाल दियो, फिर मेरे को बढ़िया सुनाई देगा। कल फट तो गई थी पापा की एक सेकंड के लिए, देखा मैंने उनकी आंखों में। कुछ तो छुपा रहे हैं ये, पता कैसे करें। एक और बार लक टेस्ट करेगा क्या? शालू भाभी को सेक्स के लिए पूछ ले। नहीं भाई पागल, दिमाग खराब है तेरा? साले पहलवान है उसका पति। नहीं 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 भाई, अगर लक काम नहीं किया तो बहुत रिस्क है, ऐसे दूर से ही ठीक है ये। और सोच अगर लग काम कर गया तो? यार शंटी फट रही है यार। अबे मैं खड़ा हूं ना, टेंशन मत ले। सुन तू ये पकड़ फटाफट। अबे ये कौन सा लाया तू? अबे ये सब मत करे, चुपचाप जेब में रख ले। शालू भाभी ने पूछ लिया, प्रोटेक्शन है तुम्हारे पास, तो जवाब होना चाहिए ना। हाँ जी भाभी जी हैगा। यार तू पागल है क्या? मैं नहीं रख रहा यार ये सब। नहीं 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 मैं नहीं ले रहा यार। आ गया। अरे लकी बड़े दिनों बाद। हाँ भाभी वो शंटी। आओ अंदर आओ। दादी कैसी है? अम्मा अच्छी है। मैं तो भाभी भैया से मिलने आया था, वो जिम की मेंबरशिप का पूछने, पर लगता है भैया घर पे नहीं है। कहाँ? इनका मिस्टर इंडिया का कंपटीशन है ना अगले महीने, उसी की तैयारी में दिन रात एक कर रखी है इन्होंने। भैया आ गए क्या? अरे नहीं सब्जी वाला होगा, वो तो लेट आते हैं। अरे भैया पैसे तो लेके जाओ। भाई मैं आपसे पैसे थोड़ी ले सकता हूँ, मुझे भैया से मार थोड़ी खानी है। लेकिन ये तुम्हारे भैया ने भी ना अलग ही खौफ बना के रखा हुआ है पूरे मोहल्ले में, कोई ठीक से बात तक नहीं करता मुझसे। अच्छा तुम बताओ क्या लोगे? हाँ? अरे चाय कॉफी? हाँ नहीं 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 भाभी नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं भैया से ना जिम्मे ही मिल लेता हूँ जाके, ठीक है? नमस्ते भाभी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये सर्दी में भी तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? वो पता नहीं भाभी थोड़ी सी ना आजकल। अभी मेरा नहीं है, मेरा वो जो दोस्त है ना शंटी, ये उसने मेरी जी। तो ये काम था? नहीं 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 भाभी मैं तो जानता भी नहीं हूँ क्या चीज है। भाभी आप गलत समझ रहे हो मैं। हाँ भाभी हाँ सॉरी सॉरी भाभी सॉरी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं सेक्स के गंदे इरादे से आया था आपके पास। भाभी वो शंटी ने मेरे दिमाग में उल्टी दी थी बातें भरती भाभी। अबे भाई बोलेगा कुछ क्या हुआ? वो भैया ने एक साल से मिस्टर इंडिया की तैयारी के चक्कर में भाभी के साथ सेक्स ही नहीं किया। तो मैं तो तुम्हें कितना शरीफ समझती थी, पर तुम तो बड़े हरामी निकले। भाभी मैं समझा। अरे जो भी चाहे सच हो जाए ये क्या चक्कर है, ओ किस्मत जब तक ऊपर है मामला सुपर डुपर है, ओ किस्मत जब तक ऊपर है मामला सुपर डुपर है, ओ किस्मत जब तक ऊपर है मामला सुपर डुपर है, ओ किस्मत जब तक ऊपर। आ जाओ आ जाओ मामला सुपर डुपर है, आ जाओ आ जाओ पीछे आ जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ।
आओ ले आओ लॉटरी 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 आओ भाई आओ लॉटरी देखो लॉटरी अरे लॉटरी लोना यार पचास इंची टीवी है एकदम। हाँ जी अम्मा आया। अम्मा देखो लॉटरी में मैंने क्या क्या जीता। किस्मत जब तक ऊपर है इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो आंखें बंद करो बंद करो बंद करो दोनों हाथ आगे और खोलनी नहीं है ठीक है जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक खोलनी नहीं है क्या जादू दिखा रहा है अरे आप देखो तो सही खोलो नहीं नहीं अभी खोलो यही चाहिए था ना मेरे को पता है जी जीता रहे मेरे बच्चे जी तुरे लगाओ तो सही एक बार लगा के दिखाओ हाँ लगाती हूँ हाँ कैसे लगाऊं ये 5,000 की मशीन तू कहाँ से लाया पापा वो हाँ बोल और वो आजकल शालू के हाथ तू क्या करने जाता है देख क्या रहा है सब्जी वाले किशन ने देखा तुझे वहां सच बता चोरी की तूने नहीं नहीं अम्मा जी मैंने चोरी नहीं करी किसी को धोखा दिया नहीं पक्का नहीं नहीं मैंने नहीं दिया जा अंदर जा अंदर जा तू जुआ खेलने लगा ये तुम इसको बिगाड़ दोगी माँ तुझे तो नहीं बिगाड़ा ना मैंने है देख ले क्या गुल खिला रहा है तू ये मकान तेरा बाप बनाकर चला गया वरना तू तो हमें सड़क पे सुलाता कहाँ की बात कहाँ ले आती हो एक महीने से कान की मशीन मांग रही हूँ ना मैं तेरे से लाई गई तेरे से नहीं ना अस्पताल देखनी जाती मैं कि तेरे सर पे खर्चा पड़ेगा सोचा था अभी कर देते हैं बाद में सुख भोगेंगे ये सुख दे रहा ना तू बस तब आ जा यहाँ से निकल अम्मा बच्चा तुम चिंता मत करो मैं करूंगा तुम्हारे सारे सपने पूरे मैं हूं ना कसम का कभी जुआ नहीं खेलेगा क्या देखती हो अम्मा
हवाई जहाज, अंदर से तो बहुत बड़ा दिखता होगा ना ये। कितने लोग बैठ जाते होंगे इसमें? पता नहीं अम्मा, ऐसे अंदर से तो मैंने भी नहीं देखा, पर जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, तो ऐसा बस जैसा ही होता है अंदर से। उड़ती बस। उड़ती बस। आपको बैठना है इसमें? अबे स्कूल की किताबें क्या कम पड़ गई हैं जो बाहर से खरीद खरीद के पढ़ रहा है क्या ये? भाई ये ना एक इंजीनियर है, चेतन भगत, जिसने पूरी बुक लिखी है भाई, इसकी खुद की कहानी है ये। और तेरे को बता दूं, अब कहानी सच या झूठ पता नहीं, लेकिन भाई पढ़ने में फुल मजा आता है यार। गॉड, अबे दुनिया पागल है भाई इसके लिए, फिल्म बना दी इसकी नॉवल पे। तुझे क्या हो गया, तूने कैसे मुंह लटका रखा? यार अम्मा को ना एयरप्लेन में बैठना है, मैं तो कभी एयरपोर्ट के आगे से भी नहीं निकला। पता नहीं कहाँ से टिकट आती है, क्या रुपए की आती है, तुझे पता है क्या कुछ? नहीं यार, अभी तो टेंशन मत लेना। एक काम करते हैं, वो साइबर कैफे वाले भैया है ना, उनसे पूछ रहे थे अगले स्टॉप पे उतर लेंगे। उन्हें पता होगा भाई, उन्हें सब पता होता है यार। अभी कल ही तो चिप भरवाई 2 GB की। साले मुझे नहीं बुलाया तूने? अभी तेरे को बुलाता नहीं हूँ मैं, मम्मी पापा गए कहाँ, जाते बुला लेता मैं। सुंदर है ना यार ये तो, बहुत सुंदर है। भाभी से तूने मुझ पर चीट किया, मतलब मैं पागलों की तरह यहाँ लॉयल बैठी हूँ, पर तुझसे रुका नहीं गया ना। तू फोन रख राहुल। बहुत खराब जमाना है। I'm so sorry. नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? Yes, thank you. वैसे नाइस चॉइस, चेतन भगत काफी अच्छा लिखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैं यहाँ से बहुत दूर, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ। वैसे आप क्या करती हो? I'm an air hostess. क्या बात कर रही हो? सच में? भगवान, अगले जन्म हुए लकी। नमस्ते, जीते रहो। कितने संस्कारी बच्चे हैं ना? हाँ अम्मा, बहुत संस्कारी हैं। कितनी बड़ी है ना, उड़ती बस। अम्मा अम्मा आ जाओ, आपकी ये वाली है, मेरी ये वाली। ये वाली है? हाँ। पक्का? हाँ, बैठो। शंटी का फोन आ रहा है। हाँ शंटी भाई, रिजल्ट आ गया है। अरे वो अम्मा के साथ आया था ना एरोप्लेन में। हाँ तो अभी उड़ने वाला है बस। तू एक काम करना, तू अपना रोल नंबर भी मुझे भेज दे। अच्छा तो लिख, मेरा लिख ले, 3745। हाँ चल ठीक है, मैं करता हूँ घर से बात। ठीक है, ओके बाय। अभी बादल भी दिखाई देंगे ना? हाँ अम्मा, अभी दिखेंगे ना ऐसे जब उड़ेगा। हाँ बढ़िया है। अरे आप एक काम करो ना, आप इधर आ जाओ विंडो वाली साइड। हाँ आ जाओ। तेरे को बुरा तो नहीं लगा? अरे आ जाओ अम्मा। कितना बड़ा है ना भैया। एक मिनट भैया, मेरा रोल नंबर लिखना पहले। 3745 लक्की। ऐसे करो। हाँ पीछे बादल आ रहे, देखो। 93%। 93
चलो सही, मेरा लिखना आप। Enjoy your meal. Thank you. क्या कह रही थी? कह रही दादी खाओ आराम से। पैसे नहीं लेके गई? अरे फ्री है। फ्री? हाँ। लुक। और को ना देते तो आज आपकी ये हालत ना होती, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। अगर आप बोले तो वो लॉकेट मैं लेके आता हूं आपके लिए। मुझे अब उस लॉकेट की मेरी जिंदगी में वापस कोई जरूरत नहीं। पर क्यों गुरुजी, वो लॉकेट तो भाग्य लाता है ना। 3743 शंटी 91% क्या 91% क्योंकि वो लॉकेट सिर्फ भाग्य नहीं लाता। देख लियो, कॉल कर लियो, चला जी। सबसे बड़ी खबर आपको बड़ी खबर की एयरलाइंस ने जारी किया है। विमान में सवार थे और मरने वालों में सबसे ज्यादा विंडो सीट पर बैठे यात्रियों का नाम है। सोचना ही है नहीं कैसे हम तेरे बिना खामियों से हूँ भरा कम से कम तेरे बिना।